ऊपर शेड्स हैं हमारे, सेम शेड्स को हम लोअर लिड पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि जो बैलेंस है वो प्रॉपर नजर आना चाहिए। के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है, अभी कोविड-19 चल रहा है तो हम लोगों को भी उतनी सावधानी से क्लाइंट्स को सब चीज दिखाओगे ना तो क्लाइंट्स को भी समझ आएगा कि आप ये वाले सलून में बहुत सावधानी रख रहे हैं, इवन मेकअप में भी रख रहे हैं। आप लोगों को हर चीज का ना प्रमोशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है, अगर आप प्रमोशन करेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, करेंगे तो आप अपडेट नहीं रह पाएंगे। देखो क्या होता है, कई बार हम आंख पे काम करते हैं राइट, लेकिन फिर भी दोनों आईज में डिफरेंस नजर आता है, जैसा कि मुझे भी अभी नजर आ रहा है मेरी मॉर्निंग में, तो हम क्या करेंगे घबराएंगे नहीं, सबसे पहले ईयरबड उठाएंगे, कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास में होना चाहिए ओके। जो आपके प्रोडक्ट्स को आपने जो लगाया है आई में का उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। मैंने क्या किया, या फिर शार्प लाइन देना है मुझे ओके, तो शार्प लाइन देने के लिए मैंने क्या किया, क्लेंजर लिया
प्रोजेक्ट एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये कॉर्नर्स को मैंने क्लीन कर दिया, आप देख रहे हो कॉर्नर क्लीन हो गया। सी हो गया? यस। अब हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हमने लगाए थे अगेन पहले हम बेस को कवर करेंगे ताकि हमारा बेस डिस्टर्ब ना हो। आपकी स्मार्टनेस है, कई बार तो इमरजेंसी हमारे हाथ पैर की इमरजेंसी में भूल जाते हैं, अच्छा करते करते भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस आपको दिखाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन फटाफट फटाफट हमें जो जो प्रोडक्ट हमें ध्यान है, ये हमने किया है तो हमें पता है हमने क्या प्रोडक्ट लिए हैं और कैसे लिए हैं। हमें ये देखिए, लड़की हर एक टाइप का आईलैश कैरी नहीं कर सकती, तो आईलैश को भी आपको ट्रिम करना होता है, ठीक है। ये बड़ी साइज है, इसको कई बार हमें ना लगाते हैं पर बहुत ड्रामेटिकल लगता है क्योंकि किसी की आंखें बहुत छोटी होती है, किसी बड़ी होती है, तो उसके हिसाब से हमें पहले लैश को ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आजकल सिंगल सिंगल लैशेस भी आती है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और हमेशा लैशेस में क्या होता है, एक साइड जो है वो छोटे बाल होते हैं, एक साइड लंबे बाल होते हैं, तो जो छोटे बाल होते हैं वो हमेशा फ्रंट की तरफ आता है और लंबे बाल जो है वो एंड्स की तरफ आते हैं। और आईलैश ग्लू जब भी हम लगाते हैं सेंटर पे पहले लगाना है। आईलैश ग्लू जो सबसे अच्छा होता है वो डियो का आता है, लेकिन उसमें नकली बहुत आता है, जो 800 रुपये का है वो असली है, और अगर कोई बोलता है मैं आपको 400 में दे रहा हूँ वो नकली है, ध्यान रखना सिंपल सा। और इसका जो अंदर का जो बेस होता है आपको ये ध्यान रखना है कि बेस पे आपको ग्लू लगाना है अच्छे से, और ग्लू लगाने के तुरंत बाद कभी भी एप्लीकेशन नहीं करनी है, ओके। इस तरह से अंदर के बेस पे आपको लगाना होता है ग्लू। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबसे पहले सेंटर, फिर साइड, फिर सेंटर। अप्लाई करने के बाद में इस तरह के एप्लीकेटर
फिल्टर्स भी आते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। और लगने के बाद में इसका जो एंड होता है उससे आपको पुश करना है। अच्छा लगता है तो मेरे फिर भी उसके आ गए हैं आज। ये सी टू पी का है, मत लेना आप लोग, बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जब हम एप्लीकेटर से लगाते हैं तो कैसे लगाना है? ये आपका लैश, इसको आपने एस सेंटर से पकड़ना है। ओके, और सेंटर से ओरिजिनल लैश के साथ में आपको पुश करना है अंदर की तरफ। ध्यान रखिएगा अभी हमें किसी को फूंक नहीं मारनी है। ओके, छोटी छोटी लिमिट फॉर वन सो टच नहीं करना है। एक बार क्या होता है, हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। समझ रहे हो इसका मतलब? सब हो जाता है एंड में, जरा से गिरकर फंस जाता है। हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। जल्दी भैया, इसके बाद हम दूसरी ब्रेड लेंगे या लंच लेंगे? लंच लेंगे। सबके अंदर, आपके अंदर चाहत होगी तो
तो मेहनत करने वाला मेहनत करेगा। पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आपका दूसरा कदम आपका साथ देता है। आप सोचो कि पहले दिन ही आपको सब कुछ मिल जाए तो नहीं होता। तो बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बोल तैयारी के बारे में सबको भूख लगी है। लेकिन हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने आई मेकअप डाल लिया है तो आपका लिपस्टिक सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि लाइट होना चाहिए। और अगर आपका आई मेकअप सॉफ्ट है तो लिपस्टिक थोड़ा सा हम डाल दे सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है। फाइनल फिनिशिंग के लिए हम लिप्स का जो बॉर्डर है जी।
हमेशा हिस्टर से पहले पहले ही आपको ये पहना देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो जुलरी है इसके वजन से ये ना नीचे बैठ जाता है, इसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह से नॉट कर सकते हैं।